नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कजन नूरजहां का 28 जनवरी को देहांत हो गया। नूरजहां पाकिस्तान के पेशावर में रहती थी। जियो न्यूज़ से बात करते हुए नूरजहां के छोटे भाई मंसूर अहमद ने बताया कि वो लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। 52 साल की नूर पेशावर के किस्सा खानी बाजार के पास मोहल्ला शाह वली कताल में रहती थी। उनके पड़ोसी और शहर परिषद के पूर्व सदस्य मियाँ जुल्फिकार ने इस खबर को कन्फर्म किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख की मां फातिमा और पिता ताज मोहम्मद खान के साथ नूरजहां उनके परिवार से मिलने 2 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। नूर और उनका परिवार भी शाहरुख खान से मिलने 2 बार भारत आ चुका है। भारत में शाहरुख के अलावा उनके और भी कई रिश्तेदार हैं। जियो की न्यूज़ के मुताबिक नूरजहां पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। नूरजहां जिला एवं शहर पार्षद भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 के आम चुनाव में अपना नामांकन भी दाखिल किया था, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया था। नूरजहां ने अपने इलेक्शन लड़ने के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो खासतौर पर महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र की दूसरी दिक्कतों पर भी समाधान करना चाहती हैं। नूर ने कहा कि जैसे पाकिस्तान के लोग उनके भाई शाहरुख को सपोर्ट करते हैं, वैसा ही कुछ सपोर्ट वो अपने लिए भी उनसे चाहती हैं। नूर को शाहरुख खान पर बड़ा गर्व था, इसलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम भी शाहरुख ही रखा। उनका बेटा खुद को शाहरुख 2 कहता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपने रिश्ते के बारे में नूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके संबंध बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी भी परिवार के होते हैं। वो 2 बार उनसे मिलने इंडिया भी आई थी। 1997 में जब पहली बार उनसे मिलने मुंबई गई, तब वो 1 महीने से ज़्यादा वहाँ रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय में व्यस्तता के चलते दोनों में बातचीत कम हो गई। उन्हें ये भी शिकायत थी कि शाहरुख खान का फ़ोन नंबर बार बार बदल जाता था। खैर, नूरजहां की डेथ की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान और नूरजहां की काफ़ी फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं। फिलहाल नूरजहां या शाहरुख खान के परिवार की तरफ से सीधे तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये खबर यहीं तक। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।